Hello everyone, this is Shruti Garg and I welcomes you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter that is circular flow of income. And in this video we are going to cover three topics. First, circular flow of income in four sector economy. Second, significance of circular flow of income. And third, leakage and injection. Clear? So these three topics are going to cover in this video. And before we starting this video, I request you all to subscribe my channel and click on like button if you like my videos. I also share my videos as much as possible. So let's start this class. First of all, हम इसमें discuss करते हैं कि हमने जो previous पढ़ा था, थोड़ा सा recapitulate कर लेते हैं कि there are three types of economy, two sector economy, three sector economy and the four sector economy. When we talk about two sector economy, it consists of household and firm only. यानी कि एक ऐसी economy जहाँ से household और firm transaction कर रही हैं या आपस में income का flow household और firm के बीच में हो रहा है. Government या foreign sector से हमारा कोई लेन देन नहीं. Second is three sector economy. इसमें household और firm के साथ government भी circular flow of income में include हो जाएगी. जो ये दो टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन माय लास्ट टू वीडियोस. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोर सेक्टर इकोनॉमी. फोर सेक्टर इकोनॉमी देयर इज हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर. यानी कि जब इनकम का फ्लो फॉरेन सेक्टर के साथ भी होगा तब आपका हो जाएगा फोर सेक्टर इकोनॉमी. और एक्चुअली इन दिस वर्ल्ड इन दिस टाइम ऑल द कंट्रीज आर बीन डीलिंग इन द फोर सेक्टर इकोनॉमी. क्लियर? कुछ टर्म्स थी जो हमने पहले डिस्कस करी थी. एक है फैक्टर पेमेंट. फैक्टर पेमेंट मीन्स द पेमेंट विच वी रिसीव इन अगेंस्ट ऑफ फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज कौन सी है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट. दीज आर कॉल्ड एज फैक्टर सर्विसेज. यानी कि अगर कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसे पेमेंट मिलेगा और जो फैक्टर सर्विसेज ले रहा है ही और शी हैड टू पे दी फैक्टर पेमेंट. नेक्स्ट इज ट्रांसफर पेमेंट. ट्रांसफर पेमेंट क्या है? ट्रांसफर पेमेंट इज दैट पेमेंट विच इज वन साइडेड पेमेंट. ये कैसा पेमेंट होता है? वन साइडेड होता है, टू साइडेड नहीं होता. यानी कि इसमें कुछ या तो दिया जाएगा या मिलेगा, लेकिन इसके अगेंस्ट ना तो हम कुछ लेंगे ना कुछ देंगे. यानी वन साइडेड, लाइक इन द फॉर्म ऑफ हेल्प. जैसे कि गवर्नमेंट बहुत कहीं बाढ़ आ जाती है, आप देखते हैं कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं सुनामी आ गई, ठीक है, कहीं किसी तरीके का डिजास्टर क्रिएट हो गया, कोई प्लेन क्रैश हो गया, तो गवर्नमेंट उसमें बहुत सारे पेमेंट अनाउंस करती है कि हम यहाँ पर राहत कार्य के लिए इतने लाख रुपए का ऐलान करते हैं, रुपए ऐलान होते हैं, ठीक है, मदद देते हैं, कई करोड़ रुपए की मदद दी जाती है. दैट इज कॉल्ड अ ट्रांसफर पेमेंट, क्योंकि इसके बदले गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिला. ठीक है, इन द सेम सेंस बहुत बार ऐसे भी होता है कि बाहर की कंट्रीज से हेल्प आती है. जैसे कई बार ऐसा होता है नेपाल में अर्थक्वेक आता है तो इंडिया हेल्प नेपाल इन दैट फाइनेंशियली वो थोड़ा सा कॉप अप कर पाए. सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट. या तो मिलेगा या देंगे, लेकिन ये हेल्पिंग फॉर्म में होता है, वन साइडेड होता है. या तो दिया जाए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज के बदले दूसरी चीज आ रही है, ऐसा नहीं होता. जैसे कि इसमें तो फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं तो फैक्टर पेमेंट मिल रहा है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें वन साइड होता है. एक हमारा थर्ड है सब्सिडीज. सब्सिडीज होती है छूट, रियायतें. जैसे कि वी ऑल नो वेरी वेल कि बहुत सारी आप ये देखते हैं कि गवर्नमेंट राशन शॉप्स गवर्नमेंट ने खोल रखी हैं. ऑन दैट राशन शॉप्स गवर्नमेंट क्या करती है, जो महंगा महंगा राशन है, राइस है, व्हीट है, उसे बहुत कम दामों में कंज्यूमर को सेल करती है. माना 50 रुपए किलो का है तो 10 रुपए का या 15 रुपए का सेल हो रहा है. तो ये जो उसने रिलैक्सेशन दिया, माना 50 रुपए की चीज उसने 15 रुपए की दी, तो 35 रुपीज क्या है? सब्सिडीज हैं. सिलेंडर पे आपको सब्सिडी मिलती है. सो ऑल दीज आर दी पार्ट ऑफ सब्सिडीज. क्लियर? सो बाय कीपिंग ऑल दीज पॉइंट इन आवर माइंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोर सेक्टर इकोनॉमी. सर्कुलर फ्लो इन आवर फोर सेक्टर इकोनॉमी. सो दीज फोर सेक्टर आर वर्किंग इन इकोनॉमी. हाउसहोल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड दी फॉरेन सेक्टर. हमने इनके बीच में डीलिंग पढ़ ली है तो इट इज वेरी इजी टू अस, हम इसको फिलअप कर सकते हैं. बट मैंने इसलिए नहीं करा ताकि आपको एक रिकैपिटलाइजेशन हो जाए.
अगर मैं बात करूं हाउस होल्ड भी फाइनेंशियल मार्केट के साथ हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में पता है कोई भी ऐसी जगह जहां पर हम सेविंग करते हैं या बोरोइंग करते हैं, किसी से पैसा उधार ले सकते हैं, इन फाइनेंशियल मार्केट बैंक आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गए, ये सब। तो हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट में क्या करता है, सेविंग करता है, पैसा सेव करता है, और फाइनेंशियल मार्केट से क्या लेता है, बोरोइंग करता है। हमने पहले डिस्कस किया है कि हम एरो उस जगह बनाते हैं जिस जगह पैसा आ रहा होगा, ठीक है। फर्म के साथ भी इसका यही रिलेशनशिप है, फर्म फाइनेंशियल मार्केट में क्या करती है, सेविंग करती है, और फाइनेंशियल मार्केट फर्म के साथ क्या करते हैं, मतलब बोरोइंग ना सेव कर सकते हैं, उधार ले सकते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के साथ भी इसी का सेम रिलेशनशिप है, गवर्नमेंट चाहे तो सेविंग करेगी, जो भी उसके पास सेविंग होगी वो फाइनेंशियल मार्केट सेव कर देती है, या वो चाहे तो फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग कर सकती है, ठीक है। फिर हमने हाउस होल्ड और फर्म के बारे में पहले पढ़ा था, तो पहले हम वही करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था कि हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं और उसके बाद उन्हें क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट मिलता है, और उस फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म क्या बनाती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है, और उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए जो पेमेंट फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में, जो पैसा फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में हाउस होल्ड के पास आया था, उस गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए वही पैसा वो लोग खर्च करते हैं। तो हम लोग इसमें फैक्टर सर्विसेज और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ इसमें पेमेंट वाले दिखा रहे हैं कि फर्म ने हाउस होल्ड को क्या करा, फैक्टर पेमेंट किया, और ये जो पैसा इनके पास आया इसके लिए इन्होंने फर्म के लिए क्या करा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर में आई क्या होगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म में बनाई उन्हीं को खरीदने के लिए, उनको यूज करने के लिए फर्म ने खर्चा करा। तो फर्म के लिए क्या, हाउस होल्ड ने क्या कराई, उसको कंज्यूम करने के लिए खर्चा करा, इसलिए क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ हमने गवर्नमेंट का रोल पढ़ा था फर्म और हाउस होल्ड के साथ, क्या क्या पढ़ा था हमने कि फर्म, पहले हम देखते हैं फर्म गवर्नमेंट को क्या देती है, फर्म गवर्नमेंट को क्या देगी, टैक्सेस, ठीक है, क्या देगी, टैक्सेस। हम फर्म गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्सेस देती है, और यहां पर फर्म गवर्नमेंट फर्म को क्या देती है, सब्सिडीज, आप देखती भी होंगी बहुत सारी छूट मिलती है, जैसे कि कोई नई स्टार्टअप है, कोई नई स्टार्टअप फर्म है तो उसको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी बिल में कंसेशन मिलता है, तो बहुत सारी सब्सिडीज देती है। कई बार फर्म ऐसी चीज में डीलिंग कर रही होती है जो कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें सब्सिडी मिलती है, तो फर्म को सब्सिडी मिल जाती है। प्लस जो प्रोडक्शन फर्म करती है उस प्रोडक्शन को फर्म गवर्नमेंट खरीदती भी तो है, लाइक फर्म ने राइस का प्रोडक्शन करा तो राइस इन्होंने खरीदा, स्टील का प्रोडक्शन करा तो गवर्नमेंट को रेलवे बनानी है, तो रेलवे बनाने के लिए फर्म को क्या चाहिए, आयरन स्टील चाहिए, तो वो कौन बना रहा है, फर्म बना रही है, तो फर्म से खरीदती है ना, तो इसलिए ये भी खर्चा करती है, गवर्नमेंट भी उन चीजों पर खर्चा करती है जो फर्म बनाती है, तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर। नाउ अब हम देखते हैं गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच में क्या रिलेशनशिप है। आगे पहले देखते हैं हाउस होल्ड गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्सेस, राइट। अब गवर्नमेंट से हाउस होल्ड को क्या मिलती है, आपकी कई बार तो मिलती है ट्रांसफर पेमेंट, अभी हमने डिस्कस करा कि अगर कहीं कोई आपदा आ जाती है, कोई नेचुरल कैलोमिटी आ जाती है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हेल्प देती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या देती है हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हाउस होल्ड के लैंड लेबर ये यूज कर रही है ना, अगर फर्म से प्रोडक्शन करने के लिए आयरन स्टील खरीद रही है तो रेलवे का प्रोडक्शन बनाने के लिए वही गवर्नमेंट हाउस होल्ड से क्या लेती है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का यूज करती है, तो इसके बदले में क्या मिलता है, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का अगर हम और फर्म के साथ देखें तो बहुत ईजी है, फर्म या तो इसे अपना प्रोडक्ट बेचेगा या इससे खरीदेगा, अगर बेचेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो यानी कि हम एरो इस साइड लगाएंगे, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट,
और फॉर्म हाफ और अदर फैक्टर को अगर खरीदती है तो हमें पेमेंट करना होगा, तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट ये। अब हम देखते हैं हाउस होल्ड की क्या संग रिलेशनशिप है। हाउस होल्ड इनसे प्रोडक्ट खरीदता है तो ऑब्वियसली बात हाउस होल्ड को पेमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि ये तो हो गया पेमेंट फॉर इंपोर्ट, एक तो पेमेंट फॉर इंपोर्ट ठीक। अब फॉरेन सेक्टर हाउस होल्ड को क्या देता है, एक तो हो गया पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग फॉरेन सेक्टर में काम करते हैं तो वही इनको क्या मिलती है फैक्टर पेमेंट, यहाँ पर भी मिलता है लैंड लेबर फैक्टर एंटरप्रेन्योर ये भी यूज करते हैं हमारी, तो फैक्टर पेमेंट इन्हें मिल जाता है क्लियर। और इसके साथ साथ इन्हें और क्या मिलता है, इन्हें मिलता है नेट ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट नेट मतलब कि कई बार हम इनकी मदद करते हैं कई बार ये हमारी मदद करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा नेट। नेट का मतलब है कि अगर हमने इनकी मदद करी तो पैसा गया और इन्होंने हमारी मदद करी तो पैसा आया, उन दोनों को माइनस करने के बाद जो नेट इफेक्ट होगा वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा कि हमें कितनी हेल्प मिली या हमने कितनी हेल्प दी ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फॉरेन सेक्टर एंड द हाउस होल्ड सेक्टर। दिस इज द फोर सेक्टर इकोनॉमी, हाउ द मनी सर्कुलेट बिटवीन द फोर सेक्टर बिटवीन हाउस होल्ड फॉर्म गवर्नमेंट एंड द फॉरेन सेक्टर। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड इट, आपको समझ सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नाउ वी विल डिस्कस अपॉन सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है, वॉट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बट उसको समझने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे जो कि थर्ड टॉपिक है हमारा इंजेक्शन एंड लीकेज। उसको समझने के बाद अगर हम सिग्निफिकेंस समझते हैं तो हमें बहुत अच्छा समझ में आएगा। नाउ दिस इज लीकेज एंड इंजेक्शन टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। व्हाट इज लीकेज एंड इंजेक्शन, एक्चुअली जब हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो रहा होता है यानी कि जो पैसा है वो फॉर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फॉर्म से हाउस होल्ड ऐसा मूव ऑन कर रहा होता है, लेकिन इन दैट केस जरूरी नहीं है कि जितनी अर्निंग है वो सारी सारी फॉर्म तक पहुंच जाए, जितने के जो फॉर्म है वो सारी इनकम हाउस होल्ड तक पहुंच जाए, या फिर इसके अलावा कोई एडिशनल इनकम नहीं होती। तो अगर हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बीच में से कुछ पैसा रुक गया वो आगे फ्लो नहीं हो पाया, दैट इज कॉल्ड एज लीकेज ठीक है। यानी कि अगर मैंने कहा 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं यहां से, 100 करोड़ के होते होते यहां 80 करोड़ ही आए, इसका मतलब क्या 20 करोड़ रुक गए ना, तो किस वजह से रुके, दैट इज लीकेज। और यहाँ पे 80 करोड़ थे, 80 करोड़ से आगे पहुंचे 120 करोड़ थे, 40 करोड़ क्या हुआ इंट्रोड्यूस हुआ मन सर्कुलर फ्लो के अंदर कहीं बाहर से, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। तो किस किस फॉर्म में इंजेक्शन या लीकेज हो सकता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक। तो लीकेज कैसे हो सकती है, यानी कि जब विड्रॉल हो रहा है मनी का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में न जाता है, इनकी मनी का सर्कुलेशन ना होके उसको रोका जा रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आने से, किस किस फॉर्म में, लाइक सेविंग हो गई, लोगों ने भाई हर एक को सेविंग की जरूरत है, फॉर्म में आगे से सेविंग चाहिए, हाउस होल्डर से सेविंग चाहिए, सेविंग हो गई, टैक्सेस का पेमेंट ठीक है, टैक्सेस का पेमेंट करना है, या फिर इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इंपोर्ट आपने कर लिया, क्या कर लिया आपने, इंपोर्ट कर लिया, तो उसके लिए आपको पैसा देना पड़ गया। तो यानी कि फॉर्म और हाउस होल्ड के बीच में ये सब क्या हुई, यानी ये पैसा जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से बाहर चला गया, दिस इज कॉल्ड एज लीकेज। इंजेक्शन की फॉर्म में देखें तो इसमें क्या है, माना कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, आपने कोई नया इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसमें प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने कोई खर्चा कर दिया तो वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में एड हो जाएगा पैसा, या फिर एक्सपोर्ट हो गया तो वो पैसा इंट्रोड्यूस हो गया इसके अंदर ठीक है। तो ये सब क्या है, इंजेक्शन है, यानी कि इससे हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मनी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दिस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने बोरिंग कर ली, हमने बैंक से उधार ले लिया और वो पैसा हमने आगे सर्कुलेट कर दिया, तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने खर्चा कर दिया, गवर्नमेंट रोड डैम ब्रिजेस स्कूल हॉस्पिटल सब बनवा दी, गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो वो इंट्रोड्यूस हो गया, एक्सपोर्ट कर लिया, तो दिस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन एंड लीकेज जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में होता है। यानी कि वो पैसा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर चला गया, दैट इज लीकेज, और वो पैसा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इंट्रोड्यूस करा गया है, दैट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
फायदा है, इसको स्टडी करने से इसकी क्या एस्पेक्ट हमें समझ में आता है। तो सबसे पहला एस्पेक्ट हम समझ में आता है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। हमने टू सेक्टर पढ़ा, हमने थ्री सेक्टर पढ़ा, हमने फोर सेक्टर पढ़ा, हमें ये पता लगा किस तरीके से फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरन सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड हाउ मच, कितना और कैसे एक दूसरे पर क्या है वो डिपेंड है। तो इट वी विल कम टू नो अबाउट द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच सेक्टर। तो पहला हमारा यही है कि वी कम टू नो अबाउट द म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द सेक्टर। हमें पता लगा कि कैसे आपस में सेक्टर क्या है म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट है। नेक्स्ट इज इट शोज द इक्विलिब्रियम पोजिशन। वॉट इज इक्विलिब्रियम पोजिशन? इक्विलिब्रियम पोजिशन मीन्स द पोजिशन ऑफ नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो अगर कभी भी इफ देयर इज एनी डिस्टॉर्शन इन द सर्कुलर फ्लो द इकोनॉमी विल बी इन दिस इक्विलिब्रियम एंड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी विल बी डिस्टर्ब। अगर हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी नहीं करेंगे तो हमें ये पता नहीं लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि लीकेज हो रही है, यानी कि पैसा सेव ही हो रहा है या टैक्सेस की फॉर्म में जा रहा है आ नहीं रहा। यानी कि अगर ऐसा कुछ भी होगा तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की जगह डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा, वो अच्छे से ऑपरेट नहीं करेगा, इकोनॉमी डाउन आ जाएगी। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमी को सही कंडीशन में रखना है, स्मूथली रनिंग करानी है, तो हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की स्टडी करना जरूरी होता है। क्लियर? नेक्स्ट इज हमें पता लग जाएगा कि वी कैन आइडेंटिफाई इजिली कि किसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इंजेक्शन यानी कि पैसा आ कितना रहा है या लीकेज पैसा जा कितना रहा है। इंजेक्शन एंड लीकेज, हम इन दोनों टॉपिक के बारे में हम इन दोनों पॉइंट्स के बारे में इजिली समझ पाएंगे कि हमारे यहां सर्कल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम में पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। नेक्स्ट इज इट हेल्प इन एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम। भाई आपको ये पता कैसे चलेगा कि हमारी कंट्री की नेशनल इनकम कितनी है अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे कैसे हो रहा है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है उसी को तो हम लोग टोटल करके नेशनल इनकम बनाते हैं। भाई जो हाउस होल्ड की इनकम बनी, जो फर्म की इनकम बनी, जो फॉरन सेक्टर की इनकम से हमें पैसा आया, जो गवर्नमेंट ने अर्न करा, इन सबको मिलाकर ही तो क्या बनी, हमारी नेशनल इनकम बनी। तो इसीलिए जैसे ही कि विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वी कैन आल्सो एबल टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। सो इन टुडेज लेक्चर वी कवर्ड टू ऑल थ्री टॉपिक्स। हमने सबसे पहले कवर करा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ फोर सेक्टर इकोनॉमी, देन वी हैड स्टडीड अबाउट लीकेज एंड इंजेक्शन, एंड देन एट लास्ट वी हैड स्टडीड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा इतना ही है टुडे, दिस टॉपिक इज एंडेड। And in next class, we are going to study about further concepts of macroeconomics. Till then, have a nice day and live a healthy life. Thank you so much.